हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ हैलक का, और इस सॉन्ग का नाम है चलते रहो। और इस सॉन्ग का प्रोड किया है योकी ने, और योकी ने एक सॉन्ग और प्रोडक्ट किया था एमवी बंटाई का, उस सॉन्ग का नाम था खत्म हुए वांदे। और वो सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है। उन सॉन्ग की जो अलग ही तरह का जो बीट था, जो म्यूजिक था, वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और इस सॉन्ग में भी देखना बनता है कि इस सॉन्ग में भी किस तरह से योकी ने अपना काम किया है, अपना वर्क किया है, वो भी हैलक के साथ। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलते रहो, 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 आज 10 लाख है चुकलते तो 100 लाख बार मेरी कल की सोच। चलते रहो, 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 तीन छोटे पिन कर तीन सुनो, कल्याण की पब्लिक से बच के रहो। याद रखा दिन जब तक लिखा पहला रात, फिर हंसते थे सुन के ते बोले मुझे बैक, 7 साल से ये पेन मेरा करे बीट क्रैक, तो आवाज में है क्रिस्ट सिखाया गेट कैट, ले सर तम, सेफ रखो गैंग जिसे ले सर हम, वन टाइम हिट होना ए नो फन, है मेरे जैसा कौन यहाँ ए नो वन, तेरे जैसे छप्पन दे तेरे ते पच्चन, तभी तो छोटे तेरी जिंदगी छाट, सेनापति खुद को समझे महाराज, खुद जाते ये खुद से है इन लोग में खास, तो मुंह पे दुफट मेरी उंगलियां पास, माँ को ही अपने दिखाते हैं माज, ये कदर नहीं करते जो माँ बाप की याद, वो कल उन्हें खोके ही आता है होश में। चलते रहो, 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 आज 10 लाख है चुकलते तो 100 लाख बार मेरे कल की सोच। चलते रहो, 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 तीन छोटे पिन कर तीन सुनो, कल्याण की पब्लिक से बच के रहो। गुजरा मैं सच से तो लिख दिया, मैंने किस वक्त ने सक्सेस का भीग दिया, रोज घर पे दिखाने को खा लिया, आज सक्सेस को अपन ने चाम लिया, ठान लिया, अब भी नहीं देखूंगा पीछे, भागेंगे आगे हम जैसे हम जीते, रहना जमीन पे हम मिट्टी से सीखे, ये मिट्टो सा जीते हैं बजरेले तिक्के। स्ट्रगल ने देखा कि लेबल सख्त, विलन बनेंगे ये भोसड पप्पू, ट्रेड फ्रॉम द स्ट्रीट्स मतलब सड़क टच तू, वफादार है दोस्त मेरे जैसे मकबूल, घड़ी के साथ खुद बदला वक्त तू, फेक को लटकता तू अंधा भक्त तू, भाइलों पे बात हलक तक तू, नाम अपना सुन के ही डरे शत्रु। चलते रहो, 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 आज 10 लाख है चुकल ले दो, 100 लाख बार मेरी कल की सोच। चलते रहो, 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 तीन छोटे पिन कर तीन सुनो, कल्याण की पब्लिक से बच के रहो। हलक जो है काफी अलग ही वाइब के साथ आए हैं, काफी अलग ही वॉइस के साथ आए हैं, ऐसा अलग ही नहीं रहता जैसे हलक गा रहे हैं। हलक का जो अलग ही अंदाज होता है गाने का, वो काफी अलग लग रहा था इस सॉन्ग में। और जिस तरह से इस सॉन्ग के जो बीट्स थे वो काफी अच्छे लगे, यानी बोल सकते हैं यूके का जो काम है इस सॉन्ग में वो काफी अच्छा था, जिस तरह से इस सॉन्ग के बीट्स थे वो काफी अच्छे थे। आवाज मेरी क्रिप्स है जैसे खाया किटकैट, और इस तरह की जो लाइन्स लेकर आए यहाँ पर हलक, वो काफी सही लगी, यानी अलग ही तरह की जो लाइंस लेकर आए हैं, अलग ही तरह के जो लिरिक्स लाए हैं सॉन्ग में, वो काफी सही लगे। एक ही बार में हिट हो जाना है, इट जस्ट नॉट फन, और यहाँ पर हलक ने यही बोला है कि एक बार में हिट हो जाना है तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। और इस तरह से हलक जो है अपना बेस्ट दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और हलक ने यहाँ पर यही बोला कि जो लोग अपने माँ बाप को उंगली दिखाते हैं उनकी कदर नहीं करते, जब वो माँ बाप जो है हमसे दूर चले जाते हैं, जब हमारे पास नहीं रहते, तब हमें उनकी कदर होती है, तब हमें उनकी वैल्यू पता लगती है। और इस सॉन्ग में जिस तरह से हलक की जो वाइब थी, जो उनकी वॉइस थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हलक गा रहे हैं, तो वो काफी अलग लग रही थी। सॉन्ग के बीट्स काफी अच्छे थे, और जब ये सॉन्ग आया था सुनने में आया था कि कृष्णा पर शॉट लिया इस सॉन्ग में, और ऐसा लगा भी कृष्णा पर शॉट लिया, क्योंकि उन्होंने यही बोला इस सॉन्ग में, विलन बनेंगे ये भोसड पप्पू, और इस तरह हलक ने जो है कृष्णा पर शॉट लिए हैं, यानी इस बिहाफ पे कह भी नहीं सकते कि वो शॉट क्यों लिए हैं और किस बेस पे लिए हैं, बस जिस तरह से मुझे इस सॉन्ग में विलन सुनाई दिया और इस तरह की जो लाइन्स लेकर आए यहाँ पर हलक, तो ऐसा लगा कि कृष्णा पर शॉट लिए हैं हलक ने। और मुझे इस सॉन्ग में हलक की जो वाइब थी वो काफ़ी अच्छी लगी, वॉइस काफ़ी अलग ही साउंड कर रही थी, जिस तरह से वो अलग ही बेस अलग ही साउंड के साथ आते हैं, और इस सॉन्ग में वो अलग ही साउंड के साथ आए थे, तो मुझे इस सॉन्ग में हलक की जो वॉइस थी वो काफ़ी अच्छी लगी, जिस तरह से उनका गाने का जो अंदाज था वो काफ़ी सही लगा। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इसमें मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मधु फिल्मी तड़का, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।